एक ऐसा इंसानी रोबोट जो अपने खुद की भूतहा तस्वीर बना सकता है। इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसान एक बहुत ही अद्भुत प्राणी है। जिस चीज़ के बारे में उसे पता नहीं होता या जिस चीज़ से उसे डर या रोमांच का अनुभव होता है, वो उसी चीज़ के ही प्रति अधिक आकर्षित होता है। वर्तमान समय में इंसानों के सामने एलियन और भूत, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के आकर्षण का बेसिक पॉइंट बने हुए हैं। जब भी हम पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हमारे जहन में खूबसूरत रंगीन चित्रकारी ही नज़र आती है। मनमोहक और बारीकी से बनाई गई तस्वीर अपनी सुंदरता से किसी के भी मन को खुशी से भर देता है। क्या आप सभी मानेंगे कि अपूर्व कलाकारी के प्रतीक कहे जाने वाले पेंटिंग्स कई बार भूतहा भी हो सकते हैं, जो भूतों की तरह नज़र भी आ सकती हैं। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने जौहर हर तरफ दिखा रखा है। कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद मानवों को ही टक्कर दे रहा है। हर तरफ बस एक ही चर्चा सुनने को मिल रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इंसानों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। खैर, इसका सबूत आज हमें एक एंड्रॉयड रोबोट आइडा बखूबी से दिखा रही है। लंदन के एक आर्ट एग्जीबिशन में आइडा ने अपनी जो अपूर्व कलाकारी दिखाई है वो वाकई में काफ़ी सराहनीय है। आइडा की कलाकारी को देखकर खुद बड़े बड़े चित्रकार भी हैरान हैं और इस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कैसे इस रोबोट अपने आप अपनी तस्वीर को बना सकता है। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण संभव हो पाया है। आइडा की कलाकारी ने हमें ये बता दिया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोट वाकई में कितना सक्षम और बुद्धिमान हो सकता है। एक इंसान के आकार के जितने बड़ी ये रोबोट जटिल एल्गोरिथम से चलती हैं। ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करके काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग्स और मूर्तियाँ बनाने के साथ ही साथ इंसानों के जैसे इशारे और पलक झपकाती भी है। इसके अलावा अगर आप इस रोबोट से बात भी करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से बात भी कर सकते हैं। आइडा को उसके क्रिएटर ने कुछ इस तरीके से बनाया कि वो दिखने में हूबहू एक जीती जागती इंसान की तरह लगती है। आइडा दिखने में एक असल लड़की की तरह लगती है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है। इस रोबोट का सर और धड़ देखने में डॉल की तरह है और वो कई बार अलग अलग ड्रेसेस भी पहनती है। हालांकि उसके आर्म्स एक्सपोज होने के कारण कुछ हद तक इसे रोबोटिक लुक भी प्रोवाइड करते हैं। इस एंड्रॉयड रोबोट को बनाने के लिए कई सारे प्रोग्रामर्स, रोबोटिक वैज्ञानिक, चित्रकार और मनोवैज्ञानिक लगे हैं। इन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस रोबोट को लगभग 2 सालों के अंदर बनाया है। इस रोबोट का नाम विख्यात ब्रिटिश महिला मैथमेटिशियन एडा लवलेस के नाम पर ही रखा गया है। अपने समय में एडा एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन रह चुकी हैं जिन्होंने ब्रिटिश मैथमेटिक्स में काफ़ी योगदान दिया है। अपने शुरुआती दिनों में आइडा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पर आधारित एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाती थी जो कि दिखने में काफ़ी आला दर्जे की थी, परंतु कुछ समय के बाद रोबोट के अंदर विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे आज आइडा अपनी ही तस्वीर बना पा रही है। हालांकि ये तस्वीर देखने में डरावनी तो है परंतु जिस निपुणता से आइडा ने अपने आप इन्हें बनाया है उसको देखकर आप जरूर ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग टेडएक्स टॉक देखते होंगे। ये एक ऐसा शुभ टॉक शो है जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े और सफल लोग आकर अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखते हैं। आज तक यहाँ पर सिर्फ इंसान ही आकर अपने आइडियाज़ को रखते थे, परंतु जब से आइडा ने इस मंच पर अपने खुद की बातों को रखा है तभी से ही इस रोबोट की चर्चाएँ थम नहीं रही हैं। इसके अलावा आइडा के द्वारा बनाई गई तस्वीरें अभी तक $1 मिलियन का कारोबार भी कर चुकी हैं। हालांकि रोबोट के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों में से 3 तस्वीरों को आर्ट म्यूजियम में पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा गया है। इसे बनाते वक्त रोबोट की आंख और हाथ एक मंजे हुए कलाकार की तरह काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित इस रोबोट का ओएस रोबोट की आंखों में लगे कैमरे के माध्यम से उचित आकृति को कैनवास के ऊपर बना देता है। बाद में रोबोट के हाथों के जरिए ये ओएस असल इंसानी कलाकारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कलर कॉम्बिनेशन की नकल करके पेंटिंग्स में रंग भरने के काम को संपूर्ण करता है। हालांकि आइडा को अपनी ही तस्वीर बनाने का इंस्ट्रक्शन उसके क्रिएटर्स ही देते हैं, परंतु जिस सदैव हाथों से इस काम को अंजाम दिया जाता है वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा अतुलनीय है। अब एक नज़र आइडा के द्वारा बनाए गए ड्रामनी पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो आइडा के द्वारा बनाई गई हर एक पेंटिंग्स अपने आप में खास है, इसलिए कई वैज्ञानिक उसे एंड्रॉयड आर्टिस्ट के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कई लोग आइडा को देखकर खौफ भी खा जाते और कहते हैं कि उन्हें इस रोबोट से काफ़ी डर लगता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे विज्ञान का एक अनुपम चमत्कार ही समझते हैं। इंसानों के द्वारा प्रोग्राम किया गया एक रोबोट जो इतना काबिल है जिससे डरने के बजाय उसकी तारीफ करनी चाहिए। एल्गोरिथम के आधार पर जो रोबोट इतनी निपुणता के साथ पेंटिंग्स को बना सकती है, सोचिए आने वाले समय में वो क्या कुछ नहीं कर सकती। आपदा के समय ये रोबोट्स हमारे साथी बन सकते हैं और इंसानी सभ्यता को नाश होने से भी बचा सकते हैं।
अब आइडा के क्रिएटर ये सोचने में व्यस्त हैं कि आखिर वो कैसे आइडा के जरिए एक पेंटिंग को बना पाए जिसके जरिए रॉबोट लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हो। इससे भविष्य में इंसान और रॉबोट्स के बीच एक अहम रिश्ता भी कायम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।